डेमोशन पलटे टेक्स्ट फाइल इनपुट फाइल्स पाती टोटल वो फोर टेक्स्ट फाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो और टेक्स्ट फाइल पाती फाइव फाइव रिकॉर्ड्स ओके रिकॉर्ड्स वे ना वो इन एसक्यूएल सर्वर टेबल वो इंसर्ट पड़ पे टोटल पाती 20 रिकॉर्ड्स इंसर्ट पड़ पे नेक्स्ट वो अब आर्काइव फोल्डर मारे क्रिएट पड़े अद्क वित् डेट अंड टाइम क्रिएट पड़पर सो वो इन प्राजेक्ट ओके फर्स्ट पड़ेना इत वो इन आर्काइव फोल्डर इतनी ना एमटी को डेटा एमें एसक्यूएल सर्वर 2014 पेल इोरी ना रन पड़े आलरे पाती 20 रिकॉर्ड्स सो इत रिकार्ड वो ना वो एना 10K टेबल डेटाबेस अंड कस्टमर अंडरस्कोर 01 टेबल सो क्वेरी रन आई मत कस्टमर टेबल ना एक्सिक्यूट पड़े पाती डेटा ये ओके नेक्स्ट वोट एसक्यूएल सर्वर 2013 पेरल प्राजेक्ट नेम राइट क्लिक पड़े न्यू एसएसएस पैकेज को पैकेज वो नेम को इनकी लोड मल्टिपल फ्लैट फाइल सो फ्लैट फाइल को अब टेक्स्ट फाइल सो नम प्राजेक्ट मतलब लोड मल्टिपल टेक्स्ट फाइल्स टू एसक्यूएल टेबल विथ आर्काइव एंड डेट एंड डेट टाइम ओके सो इत कॉपी पड़े पेस्ट पड़ेगा सो लोड मल्टिपल टेक्स्ट फाइल्स टू एसक्यूएल टेबल विथ आर्काइव एंड डेट टाइम सो इत वो इनकी पड़पा प्राजेक्ट कॉपी पड़े पेस्ट पड़ेगा सो पेस्ट पड़िया नेक्स्ट वो फॉर ईच लूप कंटेनर ट्रैक पड़ी एल वो कुछ मैक्सिमाइज़ पड़ा वेरिएबल सेट पड़ा इन वेरिएबल एसएसएस अंडरस्कोर इनपुट फोल्डर पाथ कॉपी पड़े पेस्ट पड़ा डेटा टाइप पाती स्ट्रिंग ओके नेक्स्ट वो इन वेरिएबल क्रिएट पड़ा इनना आर्काइव फोल्डर पाथ सो कॉपी पड़े पेस्ट पड़ी सो इधर डेटा टाइप पाती स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग मारले ओके स्ट्रिंग अगेन इन वेरिएबल क्रिएट पड़ी सोना इनपुट फुल पाथ कॉपी पड़े पेस्ट पड़ा डेटा टाइप स्ट्रिंग ओके नेक्स्ट वो फुल आर्काइव फुल पाथ कॉपी पड़ी पेस्ट पड़ी डेटा टाइप स्ट्रिंग टोटल वो नाल क्रिएट पड़ी एसएसएस इनपुट फोल्डर पाथ नेक्स्ट आर्काइव फोल्डर पाथ इनपुट फुल पाथ एंड फुल आर्काइव फुल पाथ सो इलामें स्ट्रिंग का चेक पड़ो डेटा टाइप इो एसएसए इनपुट फोल्डर पात सो इत वो टेक्स्ट इनपुट फोल्डर पात अब कॉपी पड़े पेस्ट पड़ी पेस्ट पड़े लास्ट वो और फॉरवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश को नम्बर डीटेल वो एम ओकेवा नेक्स्ट वो आर्काइव फोल्डर पात सो इधर फोल्डर पाथ कॉपी पड़ी पेस्ट पड़ी एक्स्ट्रा वो फॉरवर्ड स्लैश ऐड पड़ो लास्ट आर्काइव फोल्डर पक फॉरवर्ड स्लैश नेक्स्ट वो इनपुट फुल पाथ एंड फुल आर्काइव फुल पाथ रेमेमें नम्बर एक्सप्रेशन क्रिएट पड़पो अदा फॉर ईच लूप कंटेनर सो वो डबल क्लिक पड़ी कलेक्शन कलेक्शन एनुमरेटर अट्ठे फार ईच फाइल एनुमरेटर सेलेक्ट पड़ो नेक्स्ट वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन डॉट लाइन डस् क्लिक पड़ी प्रॉपर्टी डायरेक्टरी सो एक्सप्रेशन पे क्लिक पड़ो
variable and parameters la ssh input folder path kuduttu evaluate expression kuduthukonga ipo okay kuduthurunga folder path indha create paniyaachu next okay kuduthurunga so next vandu so expression vandu create paniyaachu okay next vandu file enna file type na nama vandu text file type dhaan edukaporam so adanal star.txt adu mattum eduthukom but next vandu name and extension vandu select panikonga oru variable mapping vandu क्लिक पड़ा कुमन और न्यू वेरियबल सो नम फिलिया अलो नेम मटे ना कुरे फैल नेम अरियबल मैपिंग फैल नेम मूल्यों में मैपन मुझे ओके इंडेक्स जीरो को नेक्स्ट ओके इंडेक्स वो आटोमेटिक क्रियेट आके फैल नेम फोर फैल्स इनपुट टेक्स्ट इनपुट फैल्स फोर फैल्स यहाँ पेट सर नमक वो लूपे वो डेटा स्टोर आगबाला एं फल पटो ओके सो ना पी ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फाइल मैं कॉपी पड़ी पेस्ट पड़ी डॉट टीएक्सटी पटा ओके अभी टेक्स्ट फाइल पड़ोस्य ओके फाइल नेम क्रिएट पड़िया ओके नेक्स्ट वह डेटा फ्लो टास्क ट्रैक पड़ी एंग डबल क्लिक पड़को डेटा फ्लो टास्क पेस पड़ी ओके डबल क्लिक पड़को इतना नम्बर वो टेक्स्ट फैल अबूद फ्लैट फैल सोर्स नम्बर सो फ्लैट फैल सोर्स डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ओलेडीबी डेस्टिनेशन सो फ्लैट फैल सोर्स अंड ओलेडीबी डेस्टिनेशन रेमेमें जॉइन पड़ी इो फ्लैट फैल सोर्स डबल क्लिक पड़को वो मैनेजर न्यू कुको ब्रउस पे एदावद और टेक्स्ट फाइल एड़ुत्तुकों सर ना इप्पोत्तेकी ना वंदु और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एड़ुत्तुकरेने डबल क्लिक पण्णिक्कोंगा ऑटोमेटिक एड़ुत्तुकों नेक्स्ट वंदु कॉलम्स सो कॉलम्स पाथीना इदु वंदु टैब डेलिमिटर फाइल नाम एड़ुक्करोम एना वंदु टेक्स्ट फाइल नम्म डेटा वंदु एल्लामे और टैब बेस पण्णि दान वंदु नमक्कु स्पेस विड्थ दान इरुक्कुम सो 2002 सेल्वा पाथीना और टैब इरुक्कुम अदे मेरी सेल्वा कुमार नडुले वंदु ओरु टैब इरुक्कुम सो इदा वंदु टैब डेलिमिटेड फाइल्स ला वंदु इंदा नाल नाल फाइल्स इरुक्कु टेक्स्ट फाइल्स इरुक्कु अप्पो नेक्स्ट वंदु अड्वांस्ड अड्वांस्ड पोयिटोना इप्पो कस्टमर ऐडी सैलरी कस्टमर ऑफिस ऐडी अदला वंदुट्टु 4 बिट साइंड इंटीजरா கொடுத்துக்கோங்க ओके सेलेक्ट பண்ணிட்டு அதுலயே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா 4 பைட் சைன்ட் இன்டிஜர் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க எஸ்கில் சவுட் 14 போடுங்க இப்போ கஸ்டமர் அண்டர்ஸ்கோர் 1 ல தான் நம்ம வந்து சேவ் பண்ண போறோம் सो कस्टमर आईडी सैलरी अंड कस्टमर ऑफिस आईडी पाती इंडिजर टाइप सो मतलब वो वेरकर सो नम विजुअल स्टूडियो पड़ोबूद 4 बिट साइंड इंडिजर पड़ो नेक्स्ट वो कस्टमर फर्स्ट नेम पाती वेरकर साइज़ 25 कस्टमर लास्ट नेम पाती वेरकर 25 सो ईमेल आईडी वो 50 सो अब विटरल सो 50 अब विटरल नेक्स्ट वो मोबाइल नंबर वो 25 सो नम वो अब कुछ बट वार्निंग मेसेज वो बट वार्निंग मेसेज वो நாம வராம இருக்கணும் அப்படினா நம்ம வர்க்கர் சைஸ் அந்த இன்டிஜர் டைப் வந்து கரெக்ட்டா கொடுத்தீனா நம்ம இந்த மெசேஜ் வந்து நமக்கு வராது ஓகே சோ டேட் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு 25 கொடுத்தாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் சாலரி அண்ட் கஸ்டமர் ஆபிசிட்டி வந்துட்டு 4 பை சைன் இன்டிஜரா போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மென்ட்டோட வர்க்கர் சைஸ் அதே மாதிரி 50 ஓகே சோ எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியூ ப்ரீவியூல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் தான் இருக்கும் सो लास्ट एंड वह एंड वह पाती डेटा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नम्बर टेक्स्ट फाइल एड़को ओके सो रिटेनल वो क्लिक पड़को नेक्स्ट कॉलम्स कॉलम एक्सटर्नल कॉलम इन आउटपुट कॉलम सेम चेक पड़को इनकेस कॉलम आईडी वाणा अब रीडायरेक्टा चेंज पड़ा चेंज पड़ी नेक्स्ट वो फ्लैट फाइल सोर्स वो रेडी आक्स्ट वो ओलेडीबी डेस्टिनेशन न्यू बटन प्रेस पड़को प्रीवियस डेमो डेल पड़े अगेन न्यूवा को इतना सर्व नेम सर्व नेम पाती सिस्टम सर्व नेम पाती सीसी लैब 56 इन एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस नेम पाती एसक्यूएल 2014 ओके एसक्यूएल सर्वर 2014 पाती सीसी लैब 56 अंड एसक्यूएल 2014 डेटाबेस पाती ट्रेनिंग डेटाबेस टेबल पाती कस्टमर अंडरस्कोर 01 टेबल नाम एड़को सो डेटाबेस पाती ट्रेनर मैं सेलेक्ट पड़ा बट टेस्ट कनेक्शन को सो टेस्ट कनेक्शन वो सक्सेड नेक्स्ट ओके नेक्स्ट पाती टेबल वो कस्टमर अंडरस्कोर 01 टेबल टेबल रिकार्ड्स वो स्टोर आगे ओके नेक्स्ट वो मैपिंग
So mapping la input column and destination column rendu same ah iruka check panikonga in case edhavadhu oru spelling mistake edutha kuda namakku output varadhu. Okay, okay kuduthalam ipo pathina project vandu ready aayirchi. Flat file source and oled destination vandu nam create panniyaachu. Next vandu flat file source vandu connection manager right click panni properties poidunga. Idhula vandu expression onu irukum, just expand pannittu indha dot lines irukka just click panikonga. இதில் வந்து நம்ம கனெக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறோம். ப்ராப்பர்ட்டி போய்ட்டு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ப்ரெஷன், ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன எடுக்க போகிறோன்னா எஸ்எஸ்ஐஎஸ் இன்புட் ஃபோல்டர் பாத். ப்ளஸ் நம்ம என்ன போகணும்னா ஃபைல் நேம். ஓகே, யூசர் ஃபைல் நேம் ஒருவாட்டி எவாலுவேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருங்க. என்ன ஃபைல் நேம்னா எலக்ட்ரானிக் சேஞ்ச் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த லூப்பில் தான் போகும்போது ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எலக்ட்ரானிக் சேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிலே வேலிடேஷன், ஸோ அதேமாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் போய்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிடுங்க. அதே டிலே வேலிடேஷன் வந்து ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம், ஏன்னா வந்து இது கண்டினியூ ஸ்டேட்டில் போகும், ஸோ அதனால் ட்ரூ கொடுத்துருக்கோங்க. டிலே வந்து இல்லாமல் போயிடும். ஓகே, ஸோ டிலே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலாக வந்து நமக்கு வந்து டேட்டாவோட ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் எஸ்கிள் சர்வர் டேபிளில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் ஃபுல் பார்த்து வந்து டாட் லைன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாஸ்ட் எண்டில். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறோம்னா அதில் வந்துட்டு இன்புட் ஃபோல்டர் பார்த்துன்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு அதேமாதிரி ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு எவால்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துக்கோங்க. என்ன இதுனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங். இப்போது ஓகே கொடுத்துருங்க. சார் ரெண்டு இடத்துல நம்ம இது கொடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிடச்சிருச்சு, எஃப்எஃப்எக்ஸ் இருக்குல்லே அதை வந்து எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் ஃபைல் பார்த்து வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் அர்கே ஃபுல் பார்த்து அதை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அந்த டாட் லைன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெரி மேப்பையும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு அர்கே ஃபோல்டர் பார்த்து, ஸோ இதை வந்து அர்கே ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் பார்த்துது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ளஸ் நம்ம ஃபைல் நேம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்புட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இது. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபைல் நேம் எடுக்கிறோம், அந்த இன்புட் ஃபைல் நேம்லேருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அந்த ஃபோல்டர் பாத்துலேருந்து தான் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அட்டுக்கு முன்னாடி ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. ஓகே, ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டு லாஸ்டில் அது என்ன ஃபைல் நேம் அதோடைய டைப், டைப் என்ன டைப்னா டெக்ஸ்ட் ஃபைல். ஓகே, ஸோ கமா போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளார ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளார டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு போட்டுருங்க. ஓகே, போட்டுட்டு அகெயின் கமா போட்டு என்ன ஒரு சிங்கிள் லைன் சிங்கிள் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் சிம்பிள் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த அர்கைவ் ஃபோல்டர் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துலேருந்து இன்புட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லேருந்து அர்கைவ் ஃபோல்டரில் நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கலாம். அது எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ எவாலுவேட் எக்ஸ்பிரஷன் ப்ளஸ் பண்ணி அப்போ அண்டர் ஸ்கோர் வந்துருச்சா? எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு டேட் அண்ட் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் டிடி அண்டர் ஸ்கோர் டபிள்யூஎஸ்டிஆர் கமா 50 ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கெட் டேட் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டுடே டேட் அண்ட் டைம் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும். எவாலுவேட் எக்ஸ்பிரஷன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது நம்மளுடைய டேட் அண்ட் டைம் ப்ரெஸ் வந்துருச்சா? இப்போ எனக்கு வந்து இந்த டாட்க்கு அப்புறம் உள்ள செகண்ட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்ட்ரிங் போட்டு ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. இந்த லாஸ்ட் எண்டில் வந்து ஒரு கமா 1,19. ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்தால் போதும், ரிமைனிங் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னும் போது அந்த டாட்டில் இருக்க அதனுடைய செகண்ட்ஸ் இது எல்லாமே போயிடும். போயிடுச்சா? எஸ், ஓகே. ஸோ இந்த எவ்வளோ இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே அவுட்புட் காமிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு அந்த டேட் இதில் வந்து எனக்கு ஐஃபோன் வேண்டாம் அப்படின்போது என்ன பண்ணால் ரீப்ளேஸ் போட்டுக்கோங்க. சப்ஸ்டிங் முன்னாடி ரீப்ளேஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டு லாஸ்ட் எண்டில் கமா டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளார அந்த ஐஃபோன் போட்டுக்கோங்க. அகெயின் கமா போட்டு ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அது வந்து என்னென்னா நமக்கு எம்டி கோட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகே,
So this is the user file name txt file ka print idu kodutom illaya adhe da same da okay kodutom pathina ipo vandu na exit pandren ipo pathina nammude date nadula irukra hyphen poidum next vandu date and time ku nadula vandu enak underscore venum appinum bodhu replace potu open bracket podanum potuttu last end la comma फर्स्ट नम्बर डिफाइन पड़ोना स्पेसल और स्पेसल और कोट्स और स्पेस अगेन और कोट्स डबल कोट्स रे रे डबल कोट्स नर स्पेस आलरे सो अमा इतना डबल रे डबल कोट्स अंडरस्कोर को एवाल्यूएट एक्सप्रेशन प्रेस पड़ेंगे इो अंडरस्कोर क्रिएट क्रिएट ओके सूपर इत वो नम्बर कन्वीनियंट जस्ट फॉर डेमो पर्पस ना वो काम के ओके नेक्स्ट वंदुट्ट टाइम कोलन वेंडा सो कोलन एप्ली अब पाकल अब रीप्लेस रीप्लेस नम्बर ओपन पैकेट बट इले बट एर एर पाकल सो इतना एर वाला रीप्लेस ओके इतको ओपन पैकेट पटको सो लास्ट वह कमा अंत रे डबल कोट्स नोलन अदमारी कमा रे डबल कोट्स को वितउट स्पेस को नमक वह जॉन आट्स वैलिड एक्सप्रेशन प्रेस पड़ी क्लियर आंदा नेक्स्ट इत वो टाइप ऑफ फाइल पाती txt फाइल सो ओपन अंड क्लोज पैकेट .txt एवाल्यूएट एक्सप्रेशन पाती टाइम वो नम्बर बटन एवाल्यूएट एक्सप्रेशन बटन प्रेस प्रेस नमक टाइम मारिटे आर्काइव फोल्डर पात नम्बर डेटा स्टोर आगे सो पाती फोल्डर पात नेम ऑफ द फाइल डेट एंड टाइम प्लस टाइप ऑफ द फाइल अंदमर वंदिरचा एवाल्यूएट एक्सप्रेशन बटन प्रेस पड़ेंगे नमक वो डेट एंड टाइम मारिटे ओके को इो कंट्रोल फ्लो टास्क फर्स्ट वो नेक्स्ट वह कॉमन फाइल सिस्टम टास्क ट्रैक पड़ी ए डेटा फ्लो टास्क अंड फाइल एक्सप्रेस फाइल सिस्टम टास्क रेमे जॉइन पड़ा फाइल सिस्टम टास्क डबल क्लिक पड़े पाती फर्स्ट ऑपरेशन ऑपरेशन नाम पड़ोना रीनेम फाइल को ओके सेलेक्ट पड़ो नेक्स्ट वह ओके वो फोल्डर इन फोल्डर मात्रो ओके नेक्स्ट वो नम्बे सोर्स फाइल पात दट इज सोर्स पात वेरियबल ट्रू को इो सोर्स वेरियबल नम्बर अब की स्क्रॉल पड़ी की वादी अब अंदर नम्बर एफ एफ एक्स पड़ी एक्सप्रेशन क्रिएट पड़ोलिया दट इज इनपुट फुल पात सेलेक्ट पड़ो इतना वो सोर्स वेरियबल नेक्स्ट वह डेस्टिनेशन पात वेरियबल ट्रू को डेस्टिनेशन वेरियबल वह इो फुल आर्काइव फुल पात को एक्सप्रेशन क्रिएट पड़ा एफ एफ एक्स अंदर को नेक्स्ट वो ओवर रिटन डेस्टिनेशन ओवर डेस्टिनेशन इनके आलरे पावल सर ट्रू को ओके को फैल्स आलरे अब नम्बर ट्रू को इनके अब फालस ओके नेक्स्ट वो फैल सिस्टम रेट क्लिक पड़ी प्राप्टी पेड़ डिले वैलिडेशन ट्रूव माको नेक्स्ट वो डेटा फ्लो टास्क रईट क्लिक पड़े प्राप्टी पेड़ डिले वैलिडेशन ट्रू को नेक्स्ट वो फार ईच लूप कंटेनर रईट क्लिक पड़े प्राप्टी पेड़ इतमी डिले वैलिडेशन फालस ट्रूव माको ओके नम्बर को कंटिन्यू स्टेट नाल फैल वो नमक वो रिकार्ड वो एसक्यूल सर्वर टेबल स्टोर आगे सो नम्बर कोरी वो रन पड़ी पाला इतनी नम्बर डेटा एमें ओके नेक्स्ट वो प्राजेक्ट सक्सेसफुला नम्बर क्रियेट पड़िया प्राजेक्ट रन पड़ना स्टार्ट बटन प्रेस पड़े प्राजेक्ट वो रन आगे सक्सेसफुला कम्प्लीट आटाप पड़ेल इो इन एसक्यूल सर्वर टेबल ना रन पड़े कस्टमर जीरो टेबल इतनी फाइव रिकार्ड्स वो वह स्टोर आयुका टोटल पाती ट्वेंटी रिकार्ड्स अंजु दट इस नालू टेबल अंजी रिकार्ड टोटल पाती ट्वेंटी रिकार्ड्स वो एसक्यूल सर्वर टेबल इंसट आचा
இப்போ பாருங்கள் என்னோடய இன்புட் ஃபைல் பாருங்கள், அது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் போயிடுச்சுன்னா ஆர்கைவ் ஃபோல்டரில் போய் வித் டேட் அண்ட் டைமோட எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு இருக்கா. ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.